स्वामी, सूर्य नमस्कार को तो मैं नित्यदिन जाता हूं, पर मेरे जागने से पहले ही आप जाग जाती हैं। वो इसलिए स्वामी कि भोर होते ही सबसे पहले मैं आपका मुख देखूं। सूर्य देव भी नहीं, सत्य तो ये है कि मेरी भोर आपका मुख देखकर ही होती है। आप बहुत धनवान है देवी, ईश्वर ने बड़ी उदारता से कार्य लेकर अपने कोष से सुंदरता और पातिव्रत धर्म आपको प्रदान किया है। ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है सब आपके लिए ही दिया है स्वामी। आप मेरे शरीर के भी स्वामी हैं और मेरे प्राणनाथ भी। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, इस समस्त क्षेत्र में ना आप जैसी कोई सुंदर नारी है, ना आप जैसी कोई पति सेविका। रात ढल रही है, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं। गई और आज मेरी आंख नहीं खुल पाई। मुझे भी आश्चर्य है स्वामी, आज रात इतनी शीघ्र कैसे ढल गई। मैं अभी आती हूं। स्वामी, आप आज इतना शीघ्र लौट आए, क्या आप सूर्य नमस्कार के बिना ही लौट आए? हाँ। क्यों स्वामी, बताइए ना, आप इतना शीघ्र क्यों लौट आए? हाँ।
सूर्यदेव के दर्शन को जाते जाते मुझे आपके मुखचंद्र का ध्यान आ गया। मैं विचलित हो उठा। मेरे मन ने कहा कि यदि मैंने लौटकर आपके मुखचंद्र के दर्शन नहीं किए तो कदाचित सूर्यदेव भी मेरी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। स्वामी, यह आज आपको क्या हो गया है? यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। मेरा संयम टूट गया है देवी। आपके स्मरण ने मुझे सब कुछ भुला दिया। आपकी सुंदरता, आपके यौवन ने मुझे सब कुछ भुला दिया। मुझे और व्याकुल ना कीजिए। अपने अधरों की मदिरा से मेरी प्यास बुझा दीजिए। मुझमें देवराज के आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं था, किंतु मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है। बहुत समय बीत गया है, अब मुझे लौटना होगा। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे ये क्या, चंद्रदेव? माता गंगा तो अभी तक सो रही है, रात्रि अभी शेष है, परंतु ये चंद्रदेव कहां लुप्त हो गए थे? अभी तो सूर्योदय में विलंब है, मुझे आश्रम लौट जाना चाहिए। वास्तविक रूप दिखा मुझे, तो ये तू है इंद्र? जघन्य पाप तूने किया है, जाओ, मैं तुझे शाप देता हूं कि जिस वास्ता ने तुझे ये पाप करने पर विवश किया था, तू आज के उपरांत उसके योग्य ही नहीं रहेगा। दूर हो जा मेरे सामने से, हो जा। नहीं नहीं स्वामी, इतनी कठोर दृष्टि से मुझे मत देखिए, मैं निर्दोष हूं। नहीं, इंद्र के जघन्य पाप में उसका सहयोग दिया है। वो आपका वेश धारण कर आया था, मैं समझी आप ही हैं।
किंतु वो मैं नहीं था। अब तो ये तू जान चुकी है। मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है। इस एक क्षण ने तेरे सारे जीवन की सेवा पर पानी फेर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। क्षमा? कदापि नहीं। तेरा शरीर अपवित्र हो चुका है, तेरी आत्मा अपवित्र हो चुकी है। जाओ, मैं तुझे शाप देता हूं, इसी क्षण तू पत्थर बन जाओ।